नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र का नया आदेश है जो कि मध्य प्रदेश के सभी प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकों के लिए बहुत खास होने वाला है। 15 सितंबर तक, यानी 15 सितंबर तक ये जानकारी जिले में देना है, यानी आपको हो सकता है कि उससे पहले ये जानकारी मांगी जाए तो अब आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि जो समूह बनाए गए थे तरुण अंकुर और प्रांकुर जो भी है, वो आपसे अब जानकारी मांगी जाएगी। कैसा क्या रहेगा, हमारा घर हमारा विद्यालय ये कार्यक्रम चल रहा है, इसी में आप 5 बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं, उसमें क्या प्रगति हुई है, जो अपने समूह बनाए हैं उस पर वो बच्चा कितना आगे बढ़ा है। तो मध्य प्रदेश के समस्त प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक ध्यान दें, समस्त जिलों के लिए ये आदेश है, आदेश अनुसार आपको ये कार्य करना है। तो दोस्तों, आपको हम सॉल्यूशन बताएंगे। इस पत्र में जो दे रखा है, एक संलग्न दिया है एक प्रपत्र, वो प्रपत्र आपके स्कूल में है, यानी 2019 में वो प्रपत्र आपने यूज किया था, उसी प्रपत्र पे वो जानकारी आपको अब बनाना है, यानी उसमें कुछ लिखना नहीं है, आपको मात्र टिक लगाना है लाल के पेन से। तो पूरी जानकारी आप समझना चाहते हैं तो वीडियो एकदम कंप्लीट पूरा देखें, समझें दोस्तों, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, नहीं तो समस्या कार्रवाई तक जा सकती है। तो चलिए एक एक करके पहले आदेश को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और जो बाद में एक प्रपत्र देगा उसको भी हम समझेंगे, इसलिए लास्ट तक आप वीडियो देखें, वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र का ये नया पत्र है, 20 अगस्त को यह पत्र जारी किया गया है। प्रत्येक कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के लिए विषय हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम अंतर्गत विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति की जांच संबंधी निर्देश एवं दक्षता उन्नयन ट्रैकिंग फॉर्मेट। दोस्तों, आप देख सकते हैं 3 संदर्भ दे रखे हैं, नीचे लिखा है संदर्भित पत्र क्रमांक 1 यानी ऊपर वाला के द्वारा कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण सीखने सिखाने की प्रक्रिया को नए परिप्रेक्ष्य में लागू करते हुए हमारा घर हमारा विद्यालय यानी HGHV कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत साप्ताहिक लर्निंग पैकेज के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इन शैक्षिक गतिविधियों द्वारा बच्चों के सीखने की प्रगति को सतत रूप से ट्रैक करना नितांत आवश्यक है, ताकि लर्निंग गैप्स को चिन्हांकित कर उनमें सुधार हेतु प्रयास किए जा सकें। संदर्भ पत्र क्रमांक 3 द्वारा पूर्व में दक्षता उन्नयन ट्रेकर विद्यालय प्रगति कार्ड संबंधी निर्देश तथा बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन करने संबंधी दिशा निर्देश प्रदाय किए गए हैं। बच्चों के सीखने की प्रगति को ट्रैक करने के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई अपेक्षित है। तो कार्रवाई का पहला बिंदु है कि संदर्भित पत्र क्रमांक 1 द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार गत वर्ष सत्र 2019-20 के एंडलाइन टेस्ट को इस वर्ष 2020-21 का बेसलाइन टेस्ट मानकर कक्षा के बच्चों को अंकुर तरुण एवं उमंग समूह में चिन्हित करने संबंधी कार्रवाई विद्यालय स्तर पर पूर्ण कर ली गई होगी। दूसरी संदर्भित पत्र क्रमांक 3 द्वारा पूर्व में दक्षता उन्नयन ट्रेकर विद्यालय प्रगति कार्ड संबंधित निर्देश तथा ट्रेकर विद्यालय प्रगति कार्ड विद्यालय में उपलब्ध होगा। उसी ट्रेकर विद्यालय प्रगति कार्ड पर बच्चों के सीखने के वर्तमान स्तर की जाँच कर अंकित किया जाए। तीसरा है सुलभ संदर्भ हेतु एक विद्यालय का भरा हुआ विद्यार्थी प्रगति कार्ड, यानी कक्षा 3 से 5 अंकुर बाद तरुण समूह गणित संलग्न है, इसमें हम आपको दिखाएंगे, जिसमें अंकुर समूह में दर्ज संख्या कक्षा 5 की विद्यार्थी मुस्कान का गणित विषय में पूर्व अकादमिक वर्ष अंतर्गत सीखी हुई अवधारणा अनुसार स्थिति अंकित है। भरी हुई जानकारी अनुसार इस छात्रा को दिनांक 5 सितंबर 2019 की स्थिति में समय अवधारणा पर अंकित किया गया है। दूसरे छात्र महेश को दिनांक 8/8/2019 की स्थिति में 2 अंकों की संख्याओं में जोड़ना स्तर पर अंकित किया गया है। चौथी कार्रवाई है कि विगत अकादमिक सत्र में दक्षता उन्नयन ट्रेकर विद्यालय प्रगति कार्ड पर बच्चों के सीखने की प्रगति अनुसार बच्चे को जिस स्तर पर चिन्हित किया गया था, गृह संपर्क के दौरान उस स्तर से आगे की प्रगति की जाँच की जाए तथा उसी ट्रेकर विद्यालय प्रगति कार्ड में अद्यतन कर बच्चे ने जो दक्षता प्राप्त कर ली है, उसे लाल रंग की स्याही से टिक लगाते हुए सीखने की प्रगति को पाक्षिक रूप से अंकित किया जाए तथा दिनांक भी अंकित की जाए। पांचवी कार्रवाई है उक्त संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जाकर बच्चों की वर्तमान प्रगति की स्थिति को विद्यालयवार एक्सेल शीट में 15 सितंबर तक जिला स्तर पर संकलित किया जाए, यानी सभी शिक्षक ध्यान दें, 15 सितंबर तक आपको मतलब करना है इससे पहले, क्योंकि जिले में मांगी गई है 15 सितंबर तक। इसी प्रकार तीनों समूह के विद्यार्थियों को सीखने की प्रगति की जाँच की जाकर प्रगति कार्ड पर अंकित किया जाए। संलग्न उपयुक्त अनुसार लोकेश कुमार जाटव आयुक्त और नीचे प्रतिलिपि भी दिया हुआ है। चलिए अब वो फॉर्मेट और शीट देख लेते हैं जिस प्रकार शिक्षकों को करना है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं विद्यार्थी प्रगति कार्ड कक्षा 3 से 5 यानी अंकुर व तरुण समूह गणित के लिए, यहाँ जो एग्जाम्पल अभी पत्र में दिया गया था मुस्कान का और उन बच्चों का, तो वो सीट किस प्रकार से भरना है, किस प्रकार से टिक लगाना दे रखा। तो दोस्तों आप इसका सबसे पहले स्क्रीन शॉट ले लें, फिर हम आपको एक एक बिंदु समझाते हैं। चलिए अब आपने स्क्रीन शॉट ले लिया है, इसको समझ लेते हैं, फिर बाद में आपको भरना है क्योंकि 15 तारीख से पहले पहले वो आपसे जिले में मांग सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसको समझ लेते हैं। आप सबसे पहले कॉलम देख लें, क्रमांक दे रखा, फिर विद्यार्थी का नाम, कक्षा और समूह, वो अपन बाद में बात करेंगे। फिर आगे अवधारणा के अनुसार स्थिति यानी विद्यार्थियों को आता है तो टिक करें। पहले से लेकर 12 बिंदु हैं इसमें। पहले में प्रारंभिक, जो कि आप सभी को पता है, संख्या पहचान, फिर 2 अंकों की संख्या की समझ, 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ना, 5 बार 2 अंकों की, इस प्रकार से आपके पास भी फॉर्मेट होगा दोस्तों। अब नीचे दे रखा है क्रमांक और विद्यार्थी के नाम, कक्षा, समूह। यहाँ आप देख सकते हैं अंकुर और तरुण में, अंकुर में मुस्कान और कक्षा 5 है, अंकुर है महेश, अजय, रागिनी और सलोनी, ये अंकुर ग्रुप में है, और तरुण में है राधा, नीरज, पवन और तमन्ना रजनी। तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर का आप देखते जाएं, हाँ तो आप मुस्कान को देख सकते हैं, ये 2 नंबर कॉलम पर संख्या की पहचान में 10 जुलाई 2019 को थी। फिर तीसरा कॉलम जो है 2 अंकों की संख्याओं की समझ में 20 जुलाई यानी 10 दिन बाद, फिर 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ने में 5 अगस्त 2019 को, उसमें राइट के निशान, मतलब ये दिनांकें लिखी हुई थी, लेकिन अब जो एक बार उनको फिर से रिवाइज कर रहे हैं तो टिक लगाते चलना है कि हाँ ये कर लिया है, ये कर लिया है, तब जो इस तरह कर ले फिर आगे के स्तर पर जाना है, नहीं करती है तो उसी स्तर पर आपको पढ़ाना है। तो इस प्रकार से यहाँ 5वां छठवां कॉलम है समय, समय पे 5/9/2019 में जो थी पहले, लेकिन अब उन्होंने इस पर टिक लगा दिया, यानी ये भी उसने कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार से नीचे भी बच्चे और दे रखे हैं। अब देख रहे थे तरुण समूह, तरुण समूह कॉलम नंबर 8 में 3 अंकों की संख्या है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इनमें टिक लगा रखा है, यानी जो आपकी पुरानी सीट है उसी को लेना है और उसमें आपको बच्चों का जो स्तर है बढ़ता जाए उस पर टिक लगाते आपको जाना है। तो यानी पुरानी सीट जो 2019 की वही आपके काम आई, उससे लाल के पेन से आपको टिक लगाना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आप समझ गए होंगे, फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन ऐसे संबंध कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट पूछ सकते हैं। दोस्तों वैसे सभी शिक्षक ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन अब उन शिक्षकों की खैर नहीं है जिन्होंने पिछले साल हो सकता है ये काम नहीं किया हो। हम सभी शिक्षकों के बारे में ऐसा नहीं कह रहे, काफ़ी शिक्षक काम करते हैं। तो दोस्तों ये पुराना वाला आपको प्रपत्र उठाना है और उसी प्रपत्र को लेकर के आपको जो आप 5 बच्चों के घर घर जाके संपर्क करना है, उसी प्रपत्र के अनुसार आपको उसमें राइट का टिक लाल के पेन से लगाना है। तो आप देखना कि बच्चा आपका कोई तरुण समूह में था या अंकुर में था, वो 2019 में किस पोजिशन पर था, और अब आपने पढ़ाया घर घर जाके तो अब वो उस पोजिशन से आगे आया या नहीं। अगर आगे बढ़ गया तो उस पर रेट का टिक लगा देंगे और अगले वाले स्तर पे आप उसको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।